अच्छा बाबू, आप लोगों के बीच एक ऐसी घटना को प्रस्तुत कर रहा हूं जिस घटना को सुनकर पूरा देश सदमे में आ गया। कैसी वह घटना है? हैदराबाद की हैवानियत को आप लोगों ने सुना होगा, सुनने के बाद रूह कांप गई। और यह कैसेट हरिओम म्यूजिक कंपनी के सौजन्य से मालिक बड़े भैया अभिमन्यु यादव के देखरेख में ये गीत आप लोगों के बीच में भेजत बने। और कैमरा पर हमारे इरफान भाई हैं, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। चार लाइन भूमिका लिखल गई उन कुकर्मियों के ऊपर, कैसे मास्टर तनी स्वर दे के आ जाओ। कहना है कर्म तू कर्म से कांपती मेदनी, शर्म से झुक गई अवनी अंबर की आंखें, रो रही अस्मिता बेटियों की सिसक कर, जुर्म जंजीर हस्ती दया पर सलाखे, जिस दिन जागा प्रशासन मेरा आँख खोली, खींच लाए घसी पी समंदर के अंदर से, तेरी औकात क्या है बता दे रजाली, राम समुझ भय लाल कोई बचाना सिकंदर से। तेरी औकात क्या है बता दे रे जालिम, राम समुझ भया लाल कोई बचाना सिकंदर से। जिस दिन यह प्रशासन अपने आप पर आ जाएगा, ऐसे ऐसे गुंडे मवाली पता नहीं चलेगा जिनका। कहा गया यहाँ एक लाइन गजल के अंदाज हो, गजल बड़ी पुरान बाप आशिकी अंदाज हो मास्टर, कैसे मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, गम न देना कभी गम न देना खुशी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले।
बड़ी सुंदर लाइन कवि जी भाव लिखलन का, आज दशा को देख करके लिखा गया कि गई मरमनोता क्या, अरे गई मरमनोता क्या जग में हमारी, गई मरमनोता क्या जग में हमारी, गई मरमनोता क्या जग में हमारी, जग में हमारी उजाड़े आज, माली उजाड़े आज सजी फूलवारी, माली उजाड़े आज यही से कहानी की शुरुआत हो गई। कहानी कहवा कहे बाबू, शहर का भाव है। सती सावित्री अनुसुईया के नगरिया में खेले करतार बालक बन करके अचरिया में, यही वह हिंदुस्तान है। नारी की गरिमा सदा गर्व से हम पूजे हैं, नारी की गरिमा सदा गर्व से हम पूजे हैं, दिखाया आप जिसने याद में हम भूजे हैं। नागर कर्नूल जिला तेलंगाना साधु नगर, विजय मा श्रीधर का जन जन पे जहां करते कदर। केकर कहानी हो, प्रियंका रेड्डी बहन भव्य दुई दुलारी थी, चहत्ता गुलशन परिवार की फुलवारी थी, वेटनरी डॉक्टर प्रियंका खुशहाल रही, नई थी नौकरी उम्र भी 20 साल रही। वेटनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी अपने माँ बाप का दुलारी बेटी रहले बाबू, दो ही बेटियां थी प्रियंका रेड्डी और भव्या। बाबू पर परवरिश करत होन बिटिया इतनी होनहार रहले बाबू। महबूब नगर जिला कोलरू स्थित वेटनरी अस्पताल की डॉक्टर प्रियंका रेड्डी जब घर से माता पिता का आशीर्वाद लेके निकली तो बहन भव्या रोक लेती है। बोलती है वह भव्या, 27 नवंबर दिन बुधवार का दिन था। का बोलल तरज लग गई मास्टर। तरज बड़ी रंगीन बा मास्टर, कौनो नई नवेली दुल्हन अपना घरे जाए लगल बाबा। आज जब मेहरारू जाए लगल मर्दा देखल लगल रोवे, कहो तू जात हो हम कैसे रह। मेहरारू कहल ए जी घबराई मत, हम जाता नहीं तो जल्दी लौट के आ जाए। मर्द मानत नहीं खे मेहरारू, बताओ तब अपने दिल के बात बताओ, अपने मर्दे के बात बताओ थे का बताओ लस। नई हरी जाए के हम कैली तैयारिया,
लेकिन आज वह वेटनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी स्कूटी को लेकर के और घर से ड्यूटी को प्रस्थान कर देती है, जाने की तैयारी कर रही है। तब तक बहन भव्य आया करके बोल रही है, कहा ड्यूटी जाए जब कैली तैयारिया, दीदी जा रही हो तो एक बात सुन लो, समय से जाना और समय से चले आना, जमाना बहुत खराब है। कह रही है ठीक बा दीदी हम जाते ही, वह बड़ी बहन कहती है हमें कुछ असुन लगत हो, आज मत जाओ, मत जाओ मेरी बहन, कल चली जाना। समझा रही है लेकिन कहती है वह प्रियंका रेड्डी दीदी ड्यूटी तो ड्यूटी है, जाना होगा। चलन तो अभव्य कह रही है क्या, अरे बहनी थर थर कापे दहिया लागे अंतिम मुलाकात, ए अंतिम मुलाकात थर थर कापे दहिया। आज ना जा तू बहनी ड्यूटी हमारी बानी जइबू बात, ड्यूटी हमारी बानी जइबू। असुन लगत है मत जा, बगलिया में माई खड़ी है सुनने से सारी बतिया के। माँ जब इस बात को सुनती है नजदीक जाकर के बोली, भव्या क्या कह रही हो, क्या कलस अच्छा गुन्नी बोला ना डाटे लगली महतारिया, बहनी के दीदिया देली प्यार के बधैया, बहनी के दीदिया प्यार के बधैया। नित्य प्रतिदिन का काम था अपने माई बाबू का अपने बहन का पैर छू करके वह डॉक्टर प्रियंका रेड्डी जाती थी, ए बाबू प्यार से गले मिलके आशीर्वाद लेके चल देती है। रोज की भाग ड्यूटी पूरा कर 5 बजे टोल पल्ली टोल प्लाजा पर प्रमाण मिला कि गाड़ी खड़ा कर दे और दीदी को फोन लगाई, बोली कि मैं स्किन डॉक्टर को दिखा कर अपनी दवा लेकर के दीदी मैं आ जाऊंगी। समझा रही है भव्या अपने बहन उस डॉक्टर को, भव्या बोली सुबह बोले थे जल्दी आना, बात नहीं मानती हो ठीक है, जल्दी वापस आ जाना प्रमाण मिला। तोड़पल्ली प्लाजा पर गाड़ी खड़ी कर दवा लेने चली गई, वापस 9:22 पर आई, बहन को फोन कर बताती है कि दीदी मेरी स्कूटी पंचर है। बताया जाता है दोनों 6 मिनट बाद किए थे, यही बात होकर के फोन काट देती है और तब तक कुछ मनचले जो है नजदीक पहुंचे, आपकी गाड़ी खराब है, चलिए मैं आपकी गाड़ी को ठीक करवा देता हूं, आगे एक दुकान पंचर की है उस दुकान पर जाकर मैं बनवा दूंगा।
भावुक हो जाती है वह डॉक्टर प्रियंका और गाड़ी को दे देती है। वह मनचले लेकर के उस गाड़ी को जाते हैं दुकान पर। कुछ देर के बाद जब वापस आए, आकर के बोलेगी आपकी गाड़ी तो नहीं ठीक हो पाई, कुछ दूर और जाना होगा हम लोगों को, तब आपकी गाड़ी बनेगी। गाड़ी को लेने के लिए वह डॉक्टर प्रियंका चल देती है। कुछ दूर जब जाती है और तब तक अकेले में पाकर के हम मनचले बोलने लगते हैं, करते क्या है, तराजू है बजा दे रहा मास्टर, कौनो लड़की और लड़का के बीच में महाराज प्रेम हो गई, बीच में प्रेम माने दोनों में प्यार हो गई लल, प्यार का मतलब इश्क हो गई लल, इसी का मतलब मोहब्बत हो गई लल, मोहब्बत का मतलब अब तू मोहब्बत लगा सके जिंदगी में कबो कर बना कैला, सही मन्नू बिया के पास फार्म ले के आ लोन पर ले ला उनसे, लड़का लड़की के बीच के बात हो, लड़की का बिया हो गई ससुरा में चल गई, लड़कवा के पता चलल कल हो तू तो धोखा दे के चल गई लू, लगल पता लगावे जो पहल की सिम रह वो बंद हो गई लल, पता लगावत लगावत नंबर ऊपर आ लेलस, रात में फोन कैलस, फोन जब उठौलस कल हेलो बोलो कल रे हमार रानी भुला गईलू, समझ गई लड़की की अरे तो वह चबकना बा लड़की कहले रहा अपना वो प्रेमी से कहलस का कहलस, अरे हमारा से मिले खाटू ससुरा में आईला, आ जान गई है पिया जान ही का तू कहला, हमारा से मिले खाटू ससुरा में आईला, जान गई है पिया जान ही का तू कहला, ऐसे नहीं और कैलन का एक नौजवान आगे बढ़ा और दुष्ट कमीना आवाज को दे दिया, सोच रही है कहाँ ना करके जा रहा हूँ, कहा सुना जब आ गई लो तो सुना क्या कहा, अरे चढ़ली जवानी गोरी परी चुल भूली, चढ़ली जवानी गोरी बड़ी चुलबुली, गलवा गुलाबी गोरी गर्दन सुरीली, ऐसे नहीं मत हार के जा, आईला तो आईलू तो मजवा मार के रानी सुनो, इतनी खूबसूरत तुम्हारी बदन है, तेरे चेहरे को देख करके मन मुग्ध हो गए हम लोग, जरा एक बार अपने जवानी का पानी चिखा दो, डांट करके वो प्रियंका रेडी करती है, अरे बदतमीज मजाक करते हो छेड़खानी कर रहे हो, एक भाई बन के तूने वादा किया था मेरी गाड़ी को ठीक कराने के लिए और आज मुझे वीरान जगह में पा करके मेरे साथ नादानी कर रहा है, क्या कहलस, अरे तोरा छेड़खानी जानी सुना हमरो भाई,
करवाप हमरो बाबू माई। हमनी के मुर्चा झाड़ क्या जा, हमनी के मुर्चा झाड़ क्या जा, आइलू ता मजवा मार के जा, के लाचार दिवस हो अबला समझ कर दरिंदे भूखे भेड़िए की तरह प्रियंका रेड्डी पर टूट पड़े, रो रही है, छटपटा रही है, हाथ जोड़ रही है, छोड़ दो भैया मुझे छोड़ दो, हमार माई इंतजार करत बा, हमार दीदिया इंतजार करत बा, हमार बाबू इंतजार करत हवन, छोड़ दो भैया मुझे छोड़ दो। बारे वह नीच दरिंदे कमीने एक नहीं उस अबला की सुनते हैं और उस प्रियंका रेडी पर टूट पड़ते हैं। आज जब टूट पड़ल नहीं बाबू तब हेल का यहाँ एक लाइन तरज बदल गई। उहे दर्द बाप जेवन कैला तू सहिया राते, जेवन कैला तू सहिया राते, अब हिले दुखात बाते, अब हिले दुखात बाते, जेवन कैला तू सहिया राते, अब हिले दुखात बाते, धीरी न सोची दूर तनी हट करी न हमके पाजा डरा दिया कमारिया टूटता है राजा, उठता है राजा, उठता है राजा। रो रही है और रो करके वह डॉक्टर प्रियंका उन गद्दारों से कह रही आवाज को दे रही है का कलस जनी कर बिरनवा न दानी, जनी कर बिरनवा न दानी, बात जइबा हो भैया मानी, बात जइबा हो भैया मानी, जनी कर बिरनवा न दानी, बत जइबा हो भैया पानी, फिर जनी सची दूर तनी हटी, हड़केले हमरी छतिया इजातिया लूटा जनिए भैया हिमातिया छूटता है भैया, इजातिया लूटा जनिए भैया। इतना ही नहीं बारी बारी से चारों उसके साथ बलात्कार कर रहे हैं, रो रही है, छटपटा रही है, दया की भीख मांग रही है, भैया छोड़ दो भैया। लेकिन नादान वह कमीने मानते नहीं है, वह भेड़िए अपने हवस का शिकार उस प्रियंका रेड्डी को बना रहे हैं, कह रही है अब लथपथ हो चुकी है पसीने से, काती है एक बात का कहल बत मानी बहनी आके, बत माने बहनी आके, बूझी परसनी आके, ले ले नगदी जेवरजी कैलन का मन नहीं बतिया लूटे असमतिया देत रह गईली दोहैया, मन नहीं बतिया
झूठे असमझ देत रह गई दोहैया। लाख बना कर रही है लेकिन वह भेड़िए माने नहीं, उसकी असमत को लूट लिए तो लिखना पड़ा लाचार विवश हुआ अबला की एक नहीं सुने बदहवास लाचार हालत में छोड़ करके जाने लगे। जब छोड़ के जाए लगलग हो तो विराग के शैली में भाव लगल मास्टर। कि कन्हैया देखा कलयुग में द्रौपदी करुणा कांप गई मानवता दे दोहैया यार दोहैया यार दोहैया। करुणा कांप गई मानवता दे दोहैया कन्हैया देखा कलयुग में द्रौपदी मुंह से चीखा रही है बदहवास करा रही है दरिंदे हवस बुझा करके चल दिए। कुछ दूर जा करके सोचने लगे आपस में बात करने लगे। एक मिला वही में से कलश की अरे यार जिसको हम जिसकी आबरू को लिए और छोड़ करके जा रहे हैं इसको अगर छोड़ करके जा रहे हैं तो यह हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। ए बाबू आसमगढ़ फ्लाई ओवर ब्रिज के नीचे खेत में करते क्या है यहाँ तरज बड़ी पुरान लगल बड़ा नौकिन के मजा आप लोग ले ला। लेकिन बिरहा में जब तक पुरान धुन न हो बिरहा का कोई मतलब नहीं निकलत। स्वर्गीय गुरु 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 रामदेव उस्ताद गीत के गावे कैसे गावे मास्टर। अयंग नैया मैंने भूला अनार मांगे अयंग नैया मैंने भूला अचार मांगेला। नैया मैंने भूला अनार मांग गोरिया रे गोरिया रे गोरिया रे गोरिया रे गोरिया रे गोरिया रे चारों आपस में बात करत हो दरिंदा का बात करत हो एक कलशों में का कलश की सुनना कि जिंदा जो बचिया अरे तो जिंदा जो बचिया फसाई दी है हो पढ़ाई दी है हो बुआई दी है अरे तो चारो जने के फसिया झूलाई दी है चारो जने के फसिया झूलाई दी है फसिया झूलाई दी बाकी जिंदा जो बची है फसाई दी है बजाई दी है हो बुआई दी है चारों जने के फसिया झूलाई दी है लौट चलो। और ये बाबू चारों लौट गए और लौट करके साले नीच कमीना मात्र 600 मीटर की दूरी पर चट्टान पल्ली ले जा करके उस सबला को उस लड़की को कैला न काए बाबू देखे तरज बदल गई। तया गया लगौला चारो
तड़पे जिंदा जर, अरे तड़पे जिंदा जर, आग में चिड़ैया तड़पे जिंदा जर, आग में चिड़ैया आग को लगा दिए पेट्रोल को छिड़क करके। और वह डॉक्टर तड़फड़ा रही है, शरीर उसकी जल रही है, आवाज दे रही है, चीख रही है, पुकार रही है, बचाओ बचाओ की आवाज कर रही है, लेकिन उस सुनसान वीरान स्थान पर कोई सुनने वाला नहीं है। जल जाती है, सांसें रुक जाती है, तो करते क्या है, अधमर उठा के लाश लगौले ठेकनावा, अधमर उठा के लाश लगौले ठेकनावा, और इधर घर की हालत क्या है, इधर घर वाले पहुंचे पुलिस स्टेशन आवा, घर वाले पहुंचे पुलिस स्टेशन आवा, जिंदा जरे आग में चिड़ैया तड़पे जिंदा जरे आग में चिड़ैया, ए बाबू भग जाते हैं वह साले नीच कबीरा, छोड़ कर के उस डॉक्टर को, और अधमरी लाश वहीं पर पड़ी हुई है। इधर पुलिस स्टेशन में जाकर के उसके परिवार के लोग FIR को लिखाना चाहते हैं, पुलिस बात को टाल देती है। अभी ज्यादा समय तो नहीं हुई, सुबह तक आ जाएगी, जाओ जाओ आराम से घर पर सो जाओ, नींद नहीं आ रही है, बहन भव्या तड़फड़ा रही है, माँ तड़फड़ा रही है, बाबू के चिंता सतावत बा। आज के जमाना में ए बाबू हमार बेटी सुबह से ड्यूटी पर गई, लेकिन वह भव्या थाने में जाकर क्या एक बात को जरूर बताती है कि साहब हमारी बहन ने फोन किया था, और फोन पर उसने बताया स्कूटी पंचर है, और दो चार लोग कुछ ऐसे हैं जो आकर के मदद की बात कर रहे हैं, हमें बहुत डर लग रहा है बहन। इस बात को मेरी बहन ने बताया था वह डॉक्टर ने, लेकिन पुलिस के लोग जब नहीं माने घर चले गए। ए बाबू सुबह होता है, इधर देखें कुछ किसान जाते हैं सिवान के तरफ, खेत के तरफ जब गईलन सुबह के बेला में, तो देखल न का आश्चर्य चीज देखल भी अब पापट का भाव लगल, की हो अरे हो बिहनवा खेतवा पहुंचे किसनवा मनवा रोवेला, केहू के जरल नंगा बाटे तनवा बनवा रोवेला, पाए सूचना पुलिस आईली कबजा में कैली लसिया, श्रीधर बिजम्मा भव्या के रूके नाही असिया, छपल खबरिया पेपर के दरमियानवा मनवा रोवेला, शर्मसार हो गईले हिंदुस्तानवा मनवा रोवेला। खेतवा पहुंचे किसनवा मनवा रोवेला,
केहू के जरो नंगा बाटे तनवा मनवा रोवेला। किसान जब खेत में पहुंचे तो जली हुई लाश, नंगी लाश, आवाक हो गए, रे इस खेत में लाश कैसे आ गई। यह खबर पुलिस को जब मिलती है, पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, देख रही है उस लाश को, लेकर के पहुंची, पेपर में छपता है यह खबर। या जब वो परिवार के लोगन के पता चलल हो कि वो लाश मिलल बा थनवा में आइल बा, चल करके जरा देख ले हमरे दीदिया का लाश तनान, हमरे बेटी का लाश तनान बा। रोते हुए वह माँ और वह बाप, वह बहन रोते भागते हुए थाने की ओर पहुंचे। ये बाबू इधर आक्रोश हो जाता है, चारा लोगों के दिल दिमाग में आवाज को देने लगे, कैला ना का कि जन जन में आक्रोश हुआ, तब हिल गई ले ससनावा हो, उसका भी ना पाप इनके पकड़ा ये ही छनावा हो, ता दुख में सबके बरसेला नया नवा मनवा रोवेला, करनी पर थूकेला या जानवा मनवा रोवेला। जहानवा मनवा रोवेला। चारों तरफ खबर फैल गई, लोगों में आक्रोश हो गया, थाने का घेराव होने लगा, आवाज को देने लगे, दरिंदों को जल्द से जल्द खोजा जाए, फांसी के फंदे पर झुलाया जाए। हे बाबू, प्रशासन प्रशासन सकते में आ जाता है, और जब सकते में आ गल तब हल्का आल्हा में भाव लगल मास्टर, बारे हमार हिंदुस्तान, यही हिंदुस्तान नारियों की कदर किया करता है, इसी हिंदुस्तान में सती सावित्री अनुसुईया जैसी पैदा हुई, इसी हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा गया। आल्हा में भाव लगे भैया कैसे, ए भैया जवानी नारी से भैले से भैले हई बालों के जन्म वाले भैया, भैया
28 नवंबर को यह खबर छपती है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद दुख दर्द को कलेजे में दबाकर घर परिवार के लोग उस बेटी की अंतिम संस्कार कर देते हैं। होता क्या है, इधर प्रशासन सकते में आकर के और उन पापियों की तलाश करने लगा। जब तलाश करने लगा तो भलका आल्हा नंबर दू लगा मास्टर। प्रियंका के हत्यारा पुलिस आया जा खोजे, अरे सत्ता ससनावा प्रशासन लचा, भैया लगल सुराग सिवा नवीन मिली गई ने। अब पुलिस पपिया धराइले, भैया यहाँ पर गुना है आ जा कैल स्वीकार, अब जगह जगह जनता आवाज हो उठावे, फसिया चढ़ा दा कहे आज परिवार, अरे शासन प्रशासन सजा कवन दे, अब सब ही के भैया बटे आज इंतजार हो सब ही के मन, दबिश प्रशासन दे रहा है, सरकार सत्ते में आ गई, खोल डालो सालों को जिंदा, फांसी पर झुलाया जाएगा। आज प्रशासन खोज रहा है, सुराग मिलने लगा, आरिफ और केसबुल फरार थे और फरारी हालत में घूम रहे हैं, लेकिन इधर प्रशासन जब जगह जगह दबिश को देने लगा तो पकड़े गए। जब पकड़े गए ले बाबू थाने में ले जाकर के जिसमें बंद हुए वो चारों पापी, शासन प्रशासन लग करके और मजबूती के साथ जब पूछने लगे तो सारी बात को वह कबूल कर लेते हैं। डंडा जब पड़ल तो कुल बात बतावे लगलन। इधर जनता में आक्रोश था, पूरे शहर को जाम कर दिया गया, पूरे हाईवे को जाम कर दिया गया, थाने का घेरा हो गया, जनता घुसना चाहती थी हमारे हवाले कर दो, ऐसे दरिंदे को हम सजा देंगे। पुलिस प्रशासन हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को हटाती है और भीड़ को हटा करके और लेकर के चलते हैं पुलिस प्रशासन के लोग NH 44 पर क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए लेकर के पहुंचे। घटना स्थल पर जब गए वहाँ के SP, वहाँ के आला अधिकारी, बधाई देना चाहता हूँ, अगर ऐसे ही हमारा पुलिस प्रशासन जाते आप तो किसी की मजाल नहीं, किसी बहन के ऊपर किसी बेटी के ऊपर गलत निगाह को दौड़ा दे। कैलन है का खड़ी में भाव लगल मास्टर। यही आज आ रही थी कि जैसा जग में बोले बोलिया, मरले नीच कमीना सालन के पुलिस हो गोलिया, उसी जगह पर जिस जगह पर वह अपराध किया गया था ले जाकर के इनकाउंटर कर दिया गया। जनता में खुशी की लहर दौड़ गई तो की
काउंटर कई के लेहले बदला चुकाई शासन प्रशासन पर भरोसा जताई तपी थप थप आवश्यक गद गद बाईली बोलिया मरल लीच कभी ना सालम कै पुलिस हो बोलिया जनता में खुशी की लहर दौड़ गई, जैसे ही यह खबर फैलती है चारों तरफ चारों हत्यारों को एनकाउंटर कर दिया गया। बधाई के पात्र हो गए वहाँ के कप्तान, वहाँ के डीआईजी, वहाँ के शासन प्रशासन के लोग। अगर ऐसे ही तत्काल उन अपराधियों को दंड दिया जाएगा तो एक भय का माहौल होगा और यही होना चाहिए। आज हमारे उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन पर वहाँ का प्रशासन तमाचा मार रहा है, देख लीजिए। अगर ऐसे ही न्याय आप करने लगे तो किसी बहन बेटी की आबरू नीलाम नहीं होगी। कहना है कि दुख न बाटी केहू दुख भूला जा बाबू माई देशवा के लोग तो के धीरा जा बनाई एक बेटी के साथ जो अन्याय हुआ था उसका बदला ले लिया, बधाई के पात्र हैं आप। वह माँ और बाप को भी सांत्वना मिल गई, आज मेरे बेटी का हत्यारा मारे गए। तो आखिरी लाइन में भाव है गुरुघराने का परिचय मास्टर कुसुम पराग देऊ जब तू गुरु भोला पूज्य हमारे काशीनाथ सुरेंद्र संग बिरहा की बाग सवार कन्हैया देखा कलयुग में द्रौपदी